कौन कौन मारा था तेरे को? बड्डे ने मारा था। बड्डा कौन सा? सतीश यादव। और उसके साथ वाले अंकित और एक नवीन और भी लड़के 10-15 सबने मारे। ये है 19 साल का सोनू जो अब इस दुनिया में नहीं है। वजह ये है कि सोनू एक गुंडे के गैंग में शामिल नहीं हुआ तो उसे बुरी तरह से पीटा गया, चाकू से हमला किया गया, जिसके कुछ समय बाद अस्पताल में इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई। मामले में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस बदमाश को कानून का थोड़ा भी डर नहीं है। मामला जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र का है जहाँ पर ईसाई मोहल्ला में 24 अप्रैल को गैंगवार हुआ था जिसमें 19 साल के सोनू गौड़ की मौत हो गई। सोनू की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया। आरोप है कि सोनू व उसके साथियों पर हमला करने वाले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश विजय यादव के भाई सतीश यादव रतन यादव हैं, जो सोनू पर अपनी गैंग में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। इसके कारण आए दिन विवाद होते थे जिसकी जानकारी लोगों ने थाने में दी थी लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। 24 अप्रैल की रात सतीश और उसके गुर्गों ने मोहल्ले में घुसकर बलवा तोड़फोड़ करते हुए कई युवकों से मारपीट की थी। घटना के बाद भी पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ सिर्फ सतीश को ही आरोपी बनाया लेकिन उसे भी गिरफ्तार नहीं किया गया। गैंग को ऑपरेट करने वाला रतन यादव लगातार घायलों के परिवार पर समझौते का दबाव बना रहा था लेकिन पुलिस ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। घर पर पथराव किया गया और 3 लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई जिसमें सोनू गौड़ नामक जो युवक था वो घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसके इंटेस्टाइन में उन लोगों ने उनकी इंटेस्टाइन फाड़ दी थी इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। और हमने प्रशासन से अभी यहाँ पर शव रख के मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि अभी तक सतीश यादव जो मुख्य अपराधी है वो पकड़ा नहीं गया है। उन लोग का आपराधिक रिकॉर्ड है, गैंगस्टर उसका भाई उनका भी एनकाउंटर हो चुका है और इन लोगों के पास इतना अपराध पैसा है, इनके संपत्ति का भी ब्यौरा सरकार इनको पुलिस वालों को और प्रशासन को सरकार को इनका ब्यौरा निकलवाना चाहिए कि इनके घर में स्विमिंग पूल, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जब ये लोग कुछ कार्य नहीं करते तो इनके घर में इतना सब कुछ कहाँ से आया। आज बुलडोजर की बात मामा शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, सतीश यादव की भाजपा के नेताओं के साथ में और अन्य दल के नेताओं के साथ में हमने फोटो हमारे पास है जो कि वायरल की थी जब इसने ये घटना की थी। आज देखिए बच्चे की मृत्यु हो गई है। देर से जागे पुलिस अब आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।